आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है गिवन दैट एचसीएफ 600, 306 and 657 = इतना, ये क्या दिया एचसीएफ, ये एचसीएफ दिया गया है। तो गिवन में क्या दिया, पहले से उसने एचसीएफ दिया गया है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। एचसीएफ हमें कितना दिया है, ये गिवन है हमारा 9 एंड दो नंबर दिए गए हैं और वो कह रहा है फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालना है हमें। ये दो नंबर दिए गए हैं तो हम इनको लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू जो दिया है 306 दिया है एंड बी का वैल्यू जो दिया हमें 657 दिया है और हमें फाइंड करना है एलसीएम। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए मल्टीप्लाई बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए का वैल्यू हमारा 306 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू क्या है 657 अपॉन एचसीएफ कितना हमारा 9। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, काटपीट की हमें 3 से 10 टाइम्स 2 टाइम्स 3 से ये भी सॉल्व हो गया, 3 2 जा 3 1 जा 3 9 जा। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 290 का 102 से 8 3 4 0 0 9 1 2 इट मीन्स 8 3 3 2 2 2 2 3 8 ये एलसीएम का हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले आपको ये चीज समझ नहीं होगी कि इसमें दिया क्या क्या गया है। जैसे इसमें दिया गया था एचसीएफ, हमें दिया गया था एचसीएफ, उसने बोला गिवन दैट एचसीएफ इतने एंड इतने इज इक्वल टू इतना, मींस ये एचसीएफ का वैल्यू दिया गया है। फाइंड एलसीएम ऑफ इतने इतने, मींस एलसीएम जब निकालते हैं तो दो नंबर वहां निकलता है, दो नंबर ये हो गए हमारे एलसीएम, हमें फाइंड करना है। तो मैं एक दो नंबर हम क्या ले सकते हैं, एक ए भी हो गया एक बी हो गया और हमने एक फॉर्मूला जानते हैं कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हमारा ए और बी, हम एचसीएफ का कौन मिल गया और हमने इसको सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। उसने कहा है कि 6 की पावर n को हम एक ऐसे नेचुरल नंबर 0 डिजिट के में, मींस 6 की पावर हमारी 10 हो है, 10 है हमारी, 6 की पावर 20 है, ऐसे करके हम इसको शो करा सकते हैं। तो हम पहले इसके बारे में लिखेंगे कि हम क्या क्या जानते हैं। हम एक चीज तो ये जानते हैं कि हमारी 6 की पावर अगर n ये 0 आ गई हमारी तो हमारा ये प्रूफ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज जानते हैं, इफ एनी नंबर विद द डिजिट 0, इफ एनी नंबर विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और इन अदर वर्ड्स इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई 5, मीन्स
टू मल्टीप्लाई फाइव लिख सकते हैं या टू एंड फाइव भी लिख सकते हैं इसको, टू एंड फाइव मीन्स क्या है कि अगर कोई नंबर इफ एनी नंबर विद द जीरो डिजिट, अगर कोई भी नंबर हमारा जीरो डिजिट पे अगर फिनिश हो रहा है इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, मीन्स किसी भी नंबर के पीछे अगर हमारा जीरो डिजिट आता है तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है, 10 से डिवाइड हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 और 5 या 2 और 5 से भी वो डिवाइड हो सकता है। तो हमने देखा एज हम 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 5 और 6 की पावर n के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। हमने यहाँ देखा कि हमारा फैक्टर में हमारा 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अब हम नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, सो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 6 की पावर n हैज द 6 की पावर n हैज द प्राइम फैक्टर टू एंड थ्री, टू एंड थ्री। अब इसमें हमारा लेकिन चाहिए क्या था, इट इज ऑब्जर्व दैट 6 की पावर हैज द प्राइम फैक्टर टू एंड थ्री, सो या हैंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय therefore 6 की पावर n can not be expressed cannot be end लिख सकते हैं यहाँ, cannot end with the digit 0 for any natural number इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, वो कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द 0 डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर, हमें ये चेक करना है। तो हम एक चीज जानते हैं कि इफ एनी नंबर डिजिट विद द 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अगर कोई भी नंबर होता है हमारा, जैसे हमारे पास 100 लिखा हुआ है, अगर इसके पीछे एंड में 0 आया तो ये हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा तो वो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो कोई नंबर 10 से डिवाइड हो रहा है तो 10 के फैक्टर हमारे क्या होते हैं, 2 और 5 होते हैं। तो इन अदर वर्ड्स इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5, तो हमारा 10 के फैक्टर क्या है, 2 और 5। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 और 3। इसका मींस क्या, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट 10 की पावर 10 6 की पावर n हैज द प्राइम फैक्टर 2 एंड 3, हेंस इसलिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि ये अभी ये वाला नंबर जो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा क्या होगा, therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द 0 डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो हमारी 6 की पावर n जो है 0 डिजिट पे फिनिश नहीं होगी। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो जाता है।